तो भाई साहब मैं एक दुकान पे हूँ, इधर जो रास्ता है वो जाता है कराबी की ओर, और मैं जा रहा हूँ आज कराबी। शाम के, शाम तो नहीं कहूँगा मैं, दोपहर के 3 बज रहे हैं। हाँ मैं पता है मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है यार, 11 बजे मैं सो के ही उठा था, 11 बजे तो 3 बज गया। पता नहीं आज मैं कराबी पहुँच पाऊँगा या नहीं। कराबी यहाँ से 4 घंटे का रास्ता है अगर मुझे लगातार लिफ्ट मिल जाए तो। तो कराबी से जो पहला मेरा शहर आता है वो पथालुंग है, उसके बाद कराबी है। तो मैं हिचाइक कर रहा हूँ पहले पथालुंग के लिए, देन कराबी। तो मैं रोड पे हूँ अभी और ये दुकान पे आया, उनसे मैंने हेल्प मांगी कि आपके पास क्या पेपर हैं जो मैं लिख सकूँ उस पर पथालुंग, मुझे पथालुंग जाना है। उन्होंने ये पेपर दिया, ये मार्कर दिया, अब मैं इस पर लिखूँगा पथालुंग। भाई साहब पथालुंग यार बहुत ख़तरनाक लैंग्वेज है यार पथालुंग, ये मेरे पुराने नोट्स में जैसे नोट्स ही बना रहा हूँ मैं, इंग्लिश लिखूँ या नहीं यार। तो भाई साहब दो बन गया, पथालुंग पथालुंग ऑन ए वर्ल्ड ट्रिप फ्रॉम इंडिया, कराबी कराबी ऑन ए वर्ल्ड ट्रिप फ्रॉम इंडिया। अब मैं जा रहा हूँ रोड पे हिचहाइकिंग करूँगा, लोगों से लिफ्ट मांगूँगा, अब इसे मैं इसमें चिपका दूँगा रोड पे। छोटे से बैंड ने मुझे ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे छोड़ दिया, ये रेड लाइट है। अच्छा अच्छा मौका है यार, लाइट रेड होगी, मैं लोगों से जाके पूछूंगा कि पथालुंग की तरफ आप जा रहे हो क्या। सही जगह पे मुझे लगता है छोड़ा गया है, और मैं इनसे पूछता हूँ पथालुंग पथालुंग नो ओके। मैं लोगों को दिखाता हूँ यार, काफ़ी ह्यूमिडिटी है, गर्मी लग रही है यार, पसीना छूट रहा है देर से। शाम के 4 बजने वाले हैं और मैं अभी तक हथियार को छोड़ा नहीं हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। 1 सेकेंड थोड़ा अब बैग को पहले 4-5 छोटे छोटे लिफ्ट लेते लेते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब मुझे पता है जो लिफ्ट मिलेगी वो बहुत बड़ी होगी, मतलब बैग पथालुंग तक की होगी, और ये पथालुंग का रास्ता है, सीधा पथालुंग जाता है, पथालुंग के बाद रास्ता मुड़ जाता है शायद वो कराबी के लिए। मुझे पता है आज मैं कराबी नहीं पहुंच पा रहा हूँ, शाम के 4 तो ज़रूर बज गए होंगे, शाम के 4:12 हो रहे हैं, और अब मैं स्टार्ट करूँगा हिचहाइकिंग पथालुंग के लिए, अगर कोई बस किसी में मिल जाए। और कोई दे दो यार, अगर मुझे लिफ्ट मिल जाती है तो रात 7-8 बजे तक मैं कराबी पहुँच जाऊँगा, अगर लगातार लिफ्ट मिलती है तो। अगर लगातार नहीं मिल पाती है तो फिर पहुँचना मुश्किल होगा। होगा क्या भाई, जाने दो यार पथालुंग, किसी ने नहीं देख रहा है मेरी तरफ मुंह बता के भी पथालुंग रुका क्या यार, बहुत कभी कभी गलत फहमी हो जाती है यार, भाई साहब के पास जगह तो नहीं देते, नहीं तो वो रोक ही देते। यार हिचहाइकिंग को ना कभी मजबूरी की तरह यूज मत करो, अगर हिचहाइकिंग अगर लग रहा है कि यार पैसे बचाने के लिए कर रहे हो, या काउच सर्फिंग पैसे बचाने के लिए कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है, फिर उसे मज़ा नहीं आएगा। तो एंजॉय करो, हिचहाइकिंग एक पार्ट का, ट्रैवलिंग का पार्ट है, और इसे एंजॉय करना चाहिए। मैं इसे पूरी तरह से एंजॉय करता हूँ हिचहाइकिंग को भी, मुझे अच्छा लगता है रोड पे खड़े रहना, उसके बाद जब मुझे लिफ्ट मिलती है ना 1-2 घंटे खड़े रहने के बाद, तो जो आनंद आता है, जो खुशी मिलती है, उस खुशी का क्या कहना।
थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। तो भाई साहब मैं वहाँ पे खड़ा था, इन लोगों से पूछा कि आप मुझे आगे के किसी पेट्रोल स्टेशन पे छोड़ सकते हो क्या, उन्होंने कहा क्यों नहीं। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ से मैं लोगों से हेल्प मांगूंगा, थोड़ा आसान होगा यहाँ पे क्योंकि कार्ड काफ़ी लगी हुई है। मैं जा रहा हूँ थोड़ा 7-Eleven आगे और वहाँ से कुछ कुछ खा लूँगा, भूख लगी हुई है, उसके बाद फिर से हेल्प मांगना स्टार्ट करता हूँ। भाई साहब पीछे मेरे 7-Eleven और ये रास्ता पतलूम का, मैं एकदम रास्ते पे खड़ा हूँ, अगर कोई जा रहा होगा तो छोड़ देगा, कोई जा नहीं रहा। भाई साहब मैंने अपना बैग पीछे रख लिया है, लेकिन यहाँ पे ना जहाँ पे हिचहाइकिंग फेमस नहीं है वहाँ पे लोग आके बोलते हैं यार बस स्टेशन उधर है, बस ले लो, क्या कर रहे हो, लोग पूछते हैं क्या कर रहे हो, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, बता लो। यहाँ पे यार शीशे काले भी हैं, इंडिया में अलाउ नहीं है ना, यहाँ पे शीशे काले हैं, इसका मतलब मैं लोगों को देख नहीं पाता, इंडिया में अलाउ नहीं है। गैस स्टेशन में लोगों से लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या आप पता लो की तरफ जा रहे हो, देखता हूँ क्या रिस्पांस रहता है लोगों का। फिलहाल अभी पता हथियाई में ही हूँ फंसा हुआ, शाम के 5 बजने वाले होंगे, इनसे पूछता हूँ, इनका ड्राइवर से। भाई साहब पता लो की तरफ जा रहे हो क्या? नो, क्या रिस्पांस तो कर दो, आर यू गोइंग टू आज देश, थैंक यू। यार लोग रिस्पांस नहीं करते हैं, ये अच्छा बात नहीं मुझे लगता, चलो मैं फिर भी लोगों से पूछता रहता हूँ। ट्रक वाले भाई साहब से पूछा, उन्होंने मना कर दिया, कह रहे थे कि मैं आपको नहीं ले जा सकता। वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मैं करने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। भाई साहब ये आया मैं, ये है इससे मैं आया था, आराम से बैठा हुआ था, पसरा हुआ था। बाय बाय, खबुन का, अब मैं जा रहा हूँ। क्या गजब की राइड थी भाई, क्या गजब की राइड थी, एक्सक्यूज मी, ओह चला गया वो, सोच रहा हूँ थोड़ा लिप मांग के आगे तक जाऊँ कराबी। शाम के 6 बज रहे हैं और मैं अभी 2 घंटे तक और ट्राई करूंगा कराबी के लिए, अगर लिफ्ट मिल जाती है तो सही है, नहीं नहीं तो मैं यहीं पे कहीं सो जाऊंगा, शायद किसी मंदिर में, सबसे अच्छा तरीका है भाई मंदिर में सो जाऊं। तो भाई साहब मैंने फिर कराबी के लिए अब लिफ्ट मांगना स्टार्ट कर दिया है, देखता हूँ कितने देरों में मिलती है या मिलती भी है नहीं है। शाम के 6:30 बज रहे हैं और अंधेरा तो हो गया है, तो मैं यहाँ पर लगभग 2 घंटे तक रहूँगा, 8:30 बजे तक, इसके बाद मैं यहाँ से चले जाऊँगा, रात को कहीं सोने का इंतज़ाम करना पड़ेगा अगर मुझे लिफ्ट नहीं मिली तो। कराबी जा रहा था, No money.
यार मेरे पास कोई सब नहीं है। मैं वहाँ पे खड़ा था, वो आंटी आई मुझे पैसे देने लगी, मैं पैसे देने से तो मना कर दिया, बट वो मुझे यहाँ पर ले आई। वहाँ बोली वहाँ पर रहना खतरनाक है, वहाँ पे तुम मत रहो। लाइक मैंने गूगल ट्रांसलेशन का मदद लिया। यार इतने अच्छे लोग कैसे हो सकते हैं दुनिया में यार, मुझे कभी कभी बिलीव नहीं होता कि पता नहीं मैंने कौन सा कर्म किया था जो मुझे ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं दुनिया में। वो मुझे पैसे दे रही थी कुछ खा लो, मैंने कहा नहीं अभी मैं मैनेज कर लूँगा। समझाना मुश्किल हो जाता है यार कभी कभी अगर लैंग्वेज नहीं आती आपको तो। मैं किसी तरह समझा रहा था कि मैं यही करता हूँ, वो डर रही थी कि कुछ मुझे हो ना जाए। तो भाई साहब खतरनाक वाली भूख लग गई थी, तो मैं यहाँ पे खाना खाने आ गया हूँ। खा रहा हूँ चावल अंडा, 30-30 बात का है यार, 60 रुपये के आसपास का सही हिसाब किताब है। मंदिर में सोने का भंज मिल गया, दिखाऊंगा मैं पियाऊंगा तो। आज रात को ही सोना है, कल सुबह वापस कराबी के लिए जाइंग करनी है। रात के थोड़ा लेट हो गया था, फिर मैंने सोचा कि जाइंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो ठीक है चलता हूँ, कल मिलता हूँ।